नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। सिटी स्थित श्री ने एक दुर्घटनाग्रस्त युवक का सफल ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बीते 28 जून को इस युवक को लाया गया था जिसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। इसका ब्रेन का ऑपरेशन करके इसे स्वस्थ किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पिछले साल फरवरी में 2020 में इसका श्री अस्पताल का स्थापना हुआ था, जिसके बाद ये मकसद रहा था कि जो भी लोकल क्षेत्र में क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आएंगे उनका काफ़ी कम कीमत में उपचार किया जाएगा। आज श्री अस्पताल इसमें कामयाब रहा है। लगभग 10 किलोमीटर के अंदर 4 जिलों को श्री अस्पताल कवर करता है और काफ़ी कम कीमत में क्रिटिकल कंडीशन में भी मरीजों की सेवा कर रहा है। इस दौरान कुल्टी ट्रैफिक गार्ड प्रभारी ने युवक को हेलमेट सौंपा और यह संदेश दिया कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट का व्यवहार अवश्य करें, क्योंकि इससे गंभीर चोट लगने की आशंका कम रहती है। क्योंकि सिर हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है, सिर पर चोट लगने से स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसलिए हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। श्री हॉस्पिटल 2020 फरवरी को ओपनिंग किए थे। अब ओपनिंग करने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन हम लोगों का था वो ये कि आप लोग सभी जानते हैं कि कुल्टी एक ऐसी जगह है जो विद इन 10 किलोमीटर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, और इस 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 रोड है हम लोग का, NH2 और TT रोड। अक्सर हम लोग देखते थे कि इस रोड पे कई सारे एक्सीडेंट रेगुलर बेसिस में होता रहता है, लेकिन क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन जो ऑपरेशन हम लोग इनके ऊपर किए उसको क्रैनियोटोमी बोलते हैं, जो ब्रेन का स्कल काट के ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है। हमको लगता है कि धनबाद से शुरू होकर दुर्गापुर तक ये पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ है इस इलाके में, और क्योंकि इस तरह का पेशेंट को दूर में जाके जो जिस हॉस्पिटल में ये सब ऑपरेशन होते हैं ले जाते जाते कई टाइम लगता था, इसका वजह से पेशेंट सीरियस हो जाता है। हम लोग को ये पेशेंट रोहित द्वारा 28/6 को भर्ती हुआ था, और श्री हॉस्पिटल के न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट दोनों एक टीम को मैनेज करके इनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग को समझ में आया एक दिन के अंदर ड्रामाटिक एक हिमाटोमा इनका बढ़ गया है, जिसके वजह से इमीडिएट ऑपरेशन चल रहा था, और इसी वजह से श्री हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी टीम और न्यूरो मेडिसिन टीम दोनों मिलकर हम लोग 30 तारीख को इसका ऑपरेशन किए। आज आप लोगों का दुआ से आप लोगों का सहायता से पेशेंट कम्प्लीटली ठीक होकर जा रहे हैं। इसके लिए आप न्यूरो डिपार्टमेंट श्री हॉस्पिटल के सारे को बधाई देते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन का एक प्री ऑपरेटिव जगह रहता है, एक पोस्ट ऑपरेटिव जगह रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोगों जो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इनका देखभाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ये रोहित द्वारा पेशेंट जो काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट था हम लोगों के लिए भी वो आज सही सलामत घर वापस जा। इसीलिए श्री हॉस्पिटल का तरफ से सभी को हम लोग को हेलमेट ना पूरा गाड़ी चलाम बोला हमारा जो सिचुएशन अपना तो हेलमेट पूरा गाड़ी चलाना और निजर से पे যারা হেলমেট পরে তাদের জন্য কি বার্তা দেবে তুমি? কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তোমার, কোন জায়গায় মনে আছে? এনারে। এখন সুস্থ আছো? বাড়ি কোথায়? কি নাম তোমার? তোমার যে ঠিক হওয়ার পিছনে কাদেরকে তুমি শ্রেয় দেবে? কি নাম তোমার? इस ऑपरेशन का प्रोसीड्यूर जो उनका नाम है क्रैनियोटोमी। ये क्रैनियोटोमी में होता है क्या कि ब्रेन में जब इंजरी होता है तो हेमाटोमा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं स्काल को काट के उस ब्रेन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं जहाँ हेमाटोमा हुआ होगा
इस पेशेंट का जैसे ही पहला दिन जो पोजिशन था, सेकेंड दिन जाते जाते इसका हेमाटोमा ड्रामाटिकली चेंजेस आया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो इमीडिएट हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा कि इसको हम लोग ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, और लड़का को उम्र भी बहुत कम था। तो अगर हम लोग इमीडिएट बेसिस में ये ऑपरेशन नहीं करते तो पेशेंट का कुछ भी हो सकता था, जान पे खतरा था। इसका वजह से हम लोग तुरंत, हम लोग का जो न्यूरो मेडिसिन टीम है और न्यूरो सर्जरी टीम है श्री हॉस्पिटल पे, वो लोग बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि इमीडिएट बेसिस में इसका ऑपरेशन किया जाए। ये करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर था। जो सबसे बड़ा जो चीज़ इस तरफ आप लोग का दृष्टि आकर्षण करना चाहेंगे, इस ऑपरेशन का ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, जिस हॉस्पिटल में क्रेनियोटोमी किया जाता है, वहाँ पे 2 शिफ्ट में ज़्यादातर करते हैं। एक शिफ्ट में ऑपरेशन होता है, दूसरे कर में जो स्काल बोन को हम लोग रखते हैं उसका सेटिंग किया जाता है। हम लोग लेकिन पहली बार इस बेड में ऐसा ऑपरेशन की कि एक ही शिफ्ट में दोनों ऑपरेशन को करके हम लोग पेशेंट को ठीक ठाक करके घर। इस लड़का के साथ क्या हुआ था और कब आया था आपके हॉस्पिटल? ये 28/6 को भर्ती हुए थे, करीब करीब 28/6/2021 को, करीब करीब शाम 4 या 5 बजे, और बहुत सीरियस कंडीशन में था। तुरंत हम लोग का न्यूरो मेडिसिन टीम जो थे उनके अंडर में भर्ती किया गया, और जितना सारे हम लोग दे उसको वो इलाज दे सकते थे दिए रहे थे, अंडर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चल रहा था। कितने दिन लगा? ये 28/6 भर्ती हुए और आज 30/6 को हम लोग ऑपरेशन किए हैं, क्रेनियोटोमी किए हैं, और आज डिस्चार्ज हो रहा है। सर इसका जो भी है जिस हिसाब से खर्च आप बता रहे, खर्च कितना ज़्यादा या क्या? देखिए आप लोग जैसे जानते हैं कि श्री हॉस्पिटल हमेशा ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए जितना रिजनेबल रेट में हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, जहाँ जो जो पेशेंट का साथ ये घटता है वो फाइनेंशियली पूरा डिस्टर्ब ना हो जाए, इसी का वजह से ये श्री हॉस्पिटल बना है। तो इसके जितना रिजनेबल रेट में हम लोग कर सकते थे, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, हम लोग का टीम का रिक्वेस्ट करके, हॉस्पिटल अपना देख के एकदम मिनिमम रेट में इनका किया गया। सर सारे के डॉक्टर यहीं के थे? जी सारे डॉक्टर यहीं के, श्री हॉस्पिटल के जो टीम है, न्यूरो सर्जरी का अलग टीम बना हुआ है और न्यूरो मेडिसिन का अलग टीम बना हुआ है, दोनों का टीम कॉम्बिनेशन भी है ना। डॉक्टर नवनीत भी थे न्यूरो सर्जरी टीम के अंदर, वो भी इस टीम में। और इस टीम में कौन कौन है? डॉक्टर चैटर्जी हैं, डॉक्टर सर आज देखा कि आपने जो पेशेंट है उनको हेलमेट दिया जी, देने का क्या कारण था? देखिए ये इस प्रोग्राम की वजह से आप लोग के माध्यम से हम ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि हेलमेट हम लोग के जिंदगी में कितना जरूरी हिस्सा है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई बाइक चला रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, तो जो ड्राइविंग कर रहा हो सकता है ये हेलमेट पहनता हो, लेकिन जो पीछे बैठते होंगे वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। 90% हेड इंजुरी को, एक्सीडेंट में जो घटता है 90% हेड इंजुरी को हम लोग हेलमेट के वजह से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हेलमेट पहनिए और सेफ रहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार मुखर्जी, एनजीओ।